But if I lay down and I play dead and I stay वेलकम बैक टू माई चैनल सो आपकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो भी आपको फेस्टिव आउटफिट है वो अमेजन से देखने हैं क्योंकि अमेजन में ऑफकोर्स क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है ब्रांडेड आइटम मिल जाते हैं डिस्काउंट भी बहुत ज़्यादा मिल जाता है और बेस्ट पार्ट ये है अमेजन की ना कि जो आपको दिखता है वही मिलता है कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कुछ और आया हो तो ये बेस्ट पार्ट लगती है मुझे अमेजन की ऑल्सो इसमें आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा अमेजोन में दिवाली से पहले ना बहुत सेल तो चल ही चुकी है अभी भी चल ही रही है और बहुत सारे डील्स होते रहते हैं डील ऑफ़ दिखाई में बहुत सारे आइटम आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाते हैं तो आज उन्हीं में से कुछ आइटम जो कि मैंने सेल के टाइम पर परचेस किए थे वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं इनमें से मोस्टली जो आइटम है ना वो मैंने सेम ब्रांड से लिया था इंडो एरा से क्योंकि उनके कुर्ता शर्ट्स में बहुत अच्छा ऑफ था 80% 85% तक ऑफ था और इनकी क्वालिटी और जो फिट होता है ना इस ब्रांड का अमेजिंग होता है इसलिए मैं इस ब्रांड को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो सो so, जो फर्स्ट आइटम है वो बिल्कुल फेस्टिव के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा बहुत ही हैवी आउटफिट है और ये पर्पल कलर में मैंने लिया हुआ है पर्पल एंड पीच का कॉम्बिनेशन है ये जो आप पूरा देख रहे हो ना ये ज़री का काम है तो चलिए पूरा आउटफिट दिखाती हूँ और ये देखने में जितना ज़्यादा हैवी लग रहा है ना उतना ही ज़्यादा लाइट वेट है तो यहाँ आपको नेक में ना बहुत ही खूबसूरत सा काम मिल जाएगा सिर्फ ज़री का काम है कोई भी प्रिंट नहीं है बाकी ये जो पूरी कुर्ता है वो इस तरह की प्लेन सॉलिड कलर में है डार्क पर्पल कलर है इसका और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से थ्री फोर स्लीव्स मिल जाएंगे स्लीवस का पैटर्न यहाँ आप देखो इस तरह से है ठीक है नॉर्मल नहीं है इस तरह से लाइक like, एल टाइप के शेप में है और यहाँ पे आपको स्लीव्स भी प्लेन मिलती है जस्ट यहाँ स्लीव्स में गोटा पत्ती की लाइनिंग लगाई हुई है तो ये हो गया आपके टॉप का पार्ट इसमें साथ में इस तरह की स्ट्रेट पैंट मिलेगी सेम कलर में है जस्ट नीचे में कुछ इस तरह की लेस लगाई हुई है और स्ट्रेट प्लाजो पैंट है एक्चुअली में ये सेम कलर सेम फैब्रिक में है और ऑल्सो इंडो इरा ब्रांड में ना जो भी स्ट्रेट कुर्ता आते हैं उनकी फिटिंग मुझ तो बहुत अच्छी होती है हैंड्स की फिटिंग और कमर में फिटिंग मतलब सब कुछ बहुत ही अच्छा होता है इसका स्मार्ट फिट है ना इसके साथ में जो दुपट्टा मिलने वाली है और दुपट्टा भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है कॉन्ट्रास्ट में दिया हुआ है इस तरह की पीच कलर की दुपट्टा है चंदेरी मटेरियल में इस तरह से ब्रोकेट का काम किया हुआ है तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दुपट्टा है और बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है बट इसको ना पहनोगे साथ में इससे अच्छे से झुमके पहन लो और दिवाली के लिए परफेक्ट आउटफिट हो जाएगा तो मुझे तो ये आइटम बहुत ही अच्छा लगा है आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना ना जो नेक्स्ट आउटफिट है ये है ब्रांड कुशल के से और इसका जो फ़ोटो लगाया हुआ था ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था कुल रेड एंड वाइट का या फिर जो वाइट या फिर क्रीम कलर के साथ में रेड या मरून का कॉम्बिनेशन होता है ना बहुत ही रॉयल लगता है और बिल्कुल साथ ही में फेस्टिव भी लगता है तो मैंने उसी को देख करके इसको मंगाया था सो so, इसमें जो कुर्ता मिलेगी ना वो व्हाइट कलर में है ये प्रॉपर व्हाइट हाँ व्हाइट ऑफ व्हाइट टाइप का कलर है और यहाँ पे ये अंग रखा पैटर्न बनाया हुआ है साथ में यहाँ पे गोटा पत्ती वगैरह की लेस लगाई हुई है और यहाँ स्लीव्स आप देखोगे तो स्लीव्स में इस तरह के गोटा पत्ती का काम है फुल स्लीफ और स्लीव है और गोटा पत्ती का काम है बाकी ये जो कुर्ता है ना इसमें आपको इस तरह से लंबी लंबी गोटा पत्ती की लाइनिंग बनाई हुई मिलेगी और नीचे में सेम वही वाली लेस है और फ्लेयर इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट स्ट्रेट कुर्ता भी नहीं है अच्छी खासी फ्लेयर है मतलब पहनने पर अच्छा लगे उतना दिया गया है और ये जो कुर्ता है वो रेउन मटीरियल में है बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है ना इसके साथ में जो आपको बॉटम वेयर मिलेगा वो भी इस तरह से स्ट्रेट प्लाजो पैंट है इसमें भी नीचे में कुछ इस तरह की बॉर्डर दी हुई है ये भी जो मटीरियल है रेन में ही है इसमें जो दुपट्टा दी गई है मुझे उसको देख के लगा था डार्क कलर में थोड़ा थो थो हेवी दुपट्टा होगा बट ये जो दुपट्टा है वो बिल्कुल लाइट है और इस तरह के बांधनी प्रिंट में है साथ में इस तरह की ना गोल्डन कलर की लेस लगाई हुई है इस तरह से और दुपट्टा की लेंथ ब्रॉडनेस वगैरह बिल्कुल प्रॉपर है लंबी चौड़ी से दुपट्टा है तो ये वाले सेट का ना कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और इसकी प्राइस जो है वो थोड़ी सी मुझे हाई लगी अराउंड फोर्टीन फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज़ की थी बट वन थाउजेंड ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज़ में ये सेट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता लेकिन कॉम्बिनेशन अच्छा है और लुक काफ़ी अच्छा है स्मार्ट है क्लासी है नाउ जो नेक्स्ट आइटम है guys, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है और ये पूरा ना ग्रीन कलर में इसमें कुछ भी कॉन्ट्रास्ट में नहीं है पूरे के पूरे ग्रीन कलर में है सो so, ये मेहंदी ग्रीन कलर में है इसमें आपको ना इस तरह से जो ब्रोकेट का काम होता है ना बनारसी साड़ियों में वैसा यहाँ पे नेक पे काम किया हुआ है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है साथ में यहाँ पे आपको फुल स्लीव्स मिलेगी स्लीव्स में भी सेम वही बॉर्डर लगाई हुई है बाकी जो ये पूरी कुर्ता है वो इस तरह से प्लेन है सॉलिड कलर में मैंने सभी में साइज़ लिया हुआ है मीडियम इसके जो फैब्रिक है ना ये भी रेन मटेरियल में है और इनके मोस्टली जो कुर्ताज़ आते हैं या तो चंदेरी मटेरियल में आते हैं या फिर रेन में आते हैं तो ये भी रेन मटेरियल में है क्वालिटी काफ़ी अच्छी है पहनने पे कंफर्टेबल है इसके साथ में भी आपको मिलेगा एक स्ट्रेट प्लाजो पैंट ये देखो और इसमें नीचे में अगेन वही बॉर्डर लगाई हुई है दोनों ही साइड में फ्रंट एंड बैक दोनों में और ये भी रेन मटेरियल में है इसमें बैक में आपको इलास्टिक मिलेगी फ्रंट में इलास्टिक नहीं है पहनने पे काफी ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं इनके सेट्स इसमें भी जो दुपट्टा है वो भी चंदेरी मटीरियल में है एंड ये फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ कि इन दो एरा में ना आपको इतना ज़्यादा ब्रॉड दुपट्टा मिल रहा है जनरली इनका दुपट्टा जो है ब्रॉडनेस में कम होता है लेंथ प्रॉपर होता है पर इसमें ब्रॉडनेस भी पूरी है तो काफ़ी अच्छी बात है इस तरह से चंदेरी मटीरियल री और ऑरगनजा मिक्स तरह की दुपट्टा है गोल्डन गोल्डन लाइनिंग बनाई हुई है साथ, तो ये एक ऐसा आउटफिट है ना जो आप फेस्टिवल में तो पहन ही सकते हो दिवाली के आसपास भी पहन ही सकते हो लेकिन ऐसे नॉर्मल डेज में भी आप इसको पहनोगे तो काफी ज्यादा अच्छा लगेगा नेक्स्ट जो आउटफिट है ये भी है ब्रांड इंडो एरा से ये भी रेन मटेरियल में है एंड इसमें जो साइज़ है वो मीडियम है बट काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है ये तो ये है मरून एंड ऑरेंज के कॉम्बिनेशन में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत एंड क्लासी कॉम्बिनेशन है नेक में कुछ इस तरह की ना अलग से फैब्रिक लगाई हुई है जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है आ, ये भी लाइक ब्रोकेट टाइप की फैब्रिक है और इसमें गोल्डन जरी का भी काम है जैसे कि आप देख सकते हो साथ में यहाँ पर ना फुल स्लीव से स्लीव्स सेम वही बॉर्डर लगाई हुई है जो नेक में दिया गया है एंड ये भी पूरी प्लेन स्ट्रेट कुर्ता है तो ये हो गया फ्रंट का पार्ट ना इसके साथ में भी जो आपको बॉटम वेयर मिलेगा वो कुछ इस तरह से मरून कलर में स्ट्रेट प्लाजो पैंट मिलेगा नीचे में अगेन वही बॉर्डर लगाई हुई है नेक वाली यहाँ फ्रंट एंड बैक दोनों में इसमें बैक में ये इलास्टिक है फ्रंट में इलास्टिक नहीं है बट ये सेट मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि लूज होगा इसका भी कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है जो डिजाइन है वो लगभग ना ग्रीन वाले के जैसा ही है पर जो कलर कॉम्बिनेशन है ना ऑरेंज एंड मरून का जो कॉन्ट्रास्ट कलर है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है फेस्टिवल वगैरह के लिए कलर परफेक्ट है इसके साथ में भी आपको दी गई है इस तरह से कॉन्ट्रास्ट में दुपट्टा मरून एंड ऑरेंज के कॉम्बिनेशन में चंदेरी मटेरियल में है ये दुपट्टा सॉफ्ट है दुपट्टा ऐसा नहीं है कि आप इसको कैरी नहीं कर पाओगे काफी अच्छे से कैरी कर पाओगे स्मूथ दुपट्टा है तो ये दुपट्टा भी काफी ज्यादा सुंदर है फेस्टिवल्स के लिए बिल्कुल सही है ऑल्सो वेडिंग सीजन भी आने वाला है तो आप मुझे जरूर बताना कि वेडिंग सीजन के लिए आप किस किस तरह की वीडियोज देखना चाहते हो क्या क्या चीजों की वीडियो देखना चाहते हो लाइक अभी विंटर भी आने वाला है तो विंटर वेयर की वीडियोज क्या क्या आप मुझे सजेशन दे सकते हो सो सोनाओ जो नेक्स्ट कुर्ता है ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था और ये बहुत ही सुंदर से कलर कॉम्बिनेशन में है लाइक इसमें जो वर्क किया हुआ है ना नेक में बहुत ही प्यारा है इस तरह से देख सकते हो आप काफ़ी प्यारा यहाँ पे जरी एंड सीक थ्रेड से भी कहीं कहीं पे वर्क है तो ये काफ़ी ज़्यादा हैवी यहाँ पे लुक देगा सबसे ज़्यादा हैवी वर्क आई थिंक इसी में है और ये पिंक कलर में है बहुत ही प्यारे से पिंक कलर में साथ ही में इस कपड़े में थोड़ी सी साइन भी है ऑल्सो इसका जो स्लीव्स का पैटर्न है यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे अलग से ना इस तरह के ऑर्गेंजा के फैब्रिक लगाई हुई है ट्रांसपेरेंट साथ में यहाँ पे सीक्वेंट का काम है और यहाँ पे गोटा पत्ती की लेस लगाई हुई है ये हो गया आपका स्लीव्स ये भी स्ट्रेट कुर्ता है इसमें भी आपको साथ में मिल रही है इस तरह की स्ट्रेट प्लाजो पैंट और यहाँ पे भी आपको सेम वही फ़ैब्रिक मिल रही है और गेंजा की जो कि आपको स्लीव्स में प्रोवाइड की गई है सेम डिज़ाइन तो इसका लुक थोड़ा हटके है थोड़ा डिफरेंट है काफ़ी ज़्यादा सुंदर है बट इसमें जो दुपट्टा दी गई है ना वो दुपट्टा मुझे उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई है इसके साथ में मैं गोल्डन या प्लेन दुपट्टा लेना ज़्यादा प्रेफर करूँगी ये जो दुपट्टा में ना ये रबड़ प्रिंट जो दिया हुआ है ना वो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है मतलब अलग से इसको टच करोगे ना तो पता चल रहा है कि अलग सा प्रिंट है तो वो मुझे नहीं अच्छा लगा ये जो प्रिंट दिया हुआ है ये पूरे में ना इस तरह से रबड़ प्रिंट दिया हुआ है वाइट कलर का तो ये टच करने पे ना थोड़ा सा नहीं होता एकदम अजीब सा वैसा लग रहा है अदरवाइज़ ये दुपट्टा काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी बट ये रबड़ प्रिंट नहीं दिया होता तो काफ़ी अच्छा होता लेकिन इस सेट के साथ में मैं गोल्डन दुपट्टा लेना ज़्यादा प्रेफर करूँगी वो ज़्यादा सुंदर लगेगा इसके साथ में मुझे ये दुपट्टा नहीं पसंद आई है नाउ इस जो लास्ट हमारी सेट है ये वो है मरून कलर में सीक्वेंस वर्क के साथ में ये भी रेन मटेरियल में ही है और ये कुछ इस तरह से है पूरे में सीक्वेंस का काम मिलेगा इसका जो कलर है वो मरून कलर है बहुत ही प्यारा कलर है एकदम ऐसा डीप सा भी नहीं है और बहुत लाइट सा भी नहीं है बीच वाला है बहुत प्यारा लग रहा है बहुत स्वीट कलर है इसका यहाँ पे आपको मिल जाएगी फुल स्लीव स्लीव्स में भी कुछ इस तरह के ना सीक्वेंस का काम है और थ्रेड का काम है थ्रेड के काम के साथ में सीक्वेंस का काम है और बैक में यहाँ पे ये प्लेन है साथ ही में ना यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से आपको ये लटकन दी हुई है टाई करने के लिए इसमें मोती भी लगाए हुए हैं इसके साथ में जो बॉटम वेयर है वो भी एक स्ट्रेट प्लाजो पैंट है और नीचे में यहाँ पे इस तरह से सेम सीक्वेंस वाली लेस लगाई हुई है मतलब वही फैब्रिक यहाँ पे यूज़ किया गया है नीचे में गोल्डन कलर की लाइनिंग लगाई हुई है इसमें भी आपको सेम बैक में इलास्टिक और फ्रंट में कुछ इस तरह का पैटर्न मिलेगा और जैसे कि मैंने बताया रेन मटेरियल में है दुपट्टा इसमें कंट्रास्ट में दी हुई है कुछ इस तरह से दुपट्टा है क्रीम कलर की और साथ में नीचे के साइड में कुछ इस तरह का बॉर्डर दिया गया है तो दुपट्टा भी काफी ज्यादा सुंदर है इसके साथ में काफी अच्छा लगेगा सो so गाइज ये थी मेरी आज के कुर्ता सेट्स से। इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी माई होल स्टोर की लिंक माई होल स्टोर की लिंक पर आप क्लिक करोगे ना तो आपको सारे आइटम दिख जाएंगे विद प्राइजेस तो जिस भी आइटम को परचेस करना चाहते हो उस पर क्लिक करके उसे परचेस कर सकते हो एंड बस आज के वीडियो में इतना ही फिर मिलूंगी मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय